Standard 4, subject English 2. Semester 2. Revision, question number 11. Give possessive form of. Now friend, what is possessive? Possessive means ownership, belonging. Okay. So possessive form में क्या आता है कि noun and pronoun किसको belong कर रहा है, ये हो जाता है. Okay. The boy's book was on the table. The boy's book was on the table. So किसका book table पे था? Boy का book table पे था. Okay. Now the king's horse was white. तो किसका horse है? King का horse है. तो king की ownership है, king की belonging है. बिलोंगिंग का मतलब हो जाता है पोजिशन, मीन्स जिसका जिसका ये सामान है, जिसका राइट है, उस पर उसका पोजिशन है. मैरिज डॉग वॉज कॉल्ड मोती. मैरिज डॉग वॉज कॉल्ड मोती. तो डॉग किसका है? मैरी का डॉग है. नाउ वन मोर थिंग हमें यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म में देखना है, सिंगुलर एंड प्लूरल में. फर्स्ट ऑफ ईयर हम का लगाएंगे. ओके, फॉर एग्जाम्पल लुक एट हियर, बॉयज बोला हुआ है तो ये सिंगुलर फॉर्म में है. ओके, तो इसमें अपोस्ट्रोफी का लगेगा, एस के आगे लगता है. नाउ स्टूडेंट, अगर सेम वे अगर हम देखें, सी है बेबी, ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है तो अपोस्ट्रोफी हम का लगाएंगे, एस के पीछे अपोस्ट्रोफी लगाएंगे. अगर प्लूरल सिंगुलर फॉर्म में होता है, सिंगुलर फॉर्म में, तो हम क्या करते हैं? एस के बिफोर अपोस्ट्रोफी यूज करते हैं. लेकिन अगर प्लूरल फॉर्म में होता है तो यही अपोस्ट्रोफी हम एस के आफ्टर यूज करते हैं. गॉट इट? सो लेट्स सी द एक्सरसाइज. द नेम ऑफ द बॉय, द बॉयज नेम. सी, किसका नेम के बारे में बात किया है? बॉय के नेम के बारे में बात किया. तो सब्जेक्ट क्या है? बॉय है. नाउ बॉय इज इन सिंगुलर फॉर्म, तो अपोस्ट्रोफी का लगाया है एस के बिफोर. द पॉज ऑफ द डॉग. ये तो प्लूरल फॉर्म है, लेकिन सब्जेक्ट क्या है इसमें ये देखना है हमको. सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं. सेंटेंस में जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी है, डॉग के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है, डॉक्टर सिंगुलर फॉर्म में है, तो एपोस्ट्रोफी हमें सब्जेक्ट में यूज करना है. डॉग पॉज. द सॉन्ग ऑफ द बर्ड. किसका सॉन्ग की बात करें? बर्ड का. सो द बर्ड सॉन्ग. द वॉइस ऑफ द चाइल्ड. द चाइल्ड वॉइस. The mother of the baby, the baby's mother. The shop of the grocer, the grocer's shop. The house of my friend, my friend's house. The horse of the hero, the hero's horse. The handbag of the lady, the lady's handbag. The son of the barber, the barber's son. देखो यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में दिया हुआ है. द फीट ऑफ द गीज, द गीज फीट. ऑलरेडी ये प्लूरल फॉर्म में है तो हम इसमें सी, यहाँ पे जैसे चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रन ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है, तो एस एड करने की जरूरत हमें नहीं है. इसको सिंगुलर को प्लूरल बनाने में, सिंगुलर क्या है? चाइल्ड, एंड प्लूरल फॉर्म क्या है? चिल्ड्रन. तो यहाँ पर अपोस्ट्रोफी आप कैसे लगाओगे? एस के बिफोर लगाओगे. क्यों? बिकॉज जब ये प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ था तब इसको एस ई एस या डबल एस की जरूरत नहीं थी. द फीट ऑफ द गीज, द गीज फीट. द वॉइस ऑफ द चिल्ड्रन. सी, वॉइस जो है वो प्लूरल फॉर्म में है, बट यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? चिल्ड्रन है. तो द चिल्ड्रन वॉइस. द सॉन्ग्स ऑफ द विमेन. विमेन प्लूरल फॉर्म है बट एस नहीं है तो अपोस्ट्रोफी एस कैसे लगेगा? अपोस्ट्रोफी बिफोर लगेगा. द विमेन सॉन्ग. The purses of the ladies, the ladies' purses. The cries of the babies cry. See, यहाँ पर हमने क्या नोटिस किया कि अपोस्ट्रोफी एस के बाद लगा है. यहाँ पर भी अपोस्ट्रोफी एस के बाद लगा है. The feathers of the bird feathers. Again, birds दिया हुआ प्लूरल फॉर्म में, अपोस्ट्रोफी हम क्या लगाएंगे? एस के आफ्टर. The tails of the foxes. सेम हो गया, एपोस्ट्रोफी का लगेगा एस के बाजू में. द फॉक्सेस टेल. द लेग्स ऑफ द बफेलोज.
द बफेलो वॉज लेग्स, अगेन एपोस्ट्रोफी एस के बाजू में लगी है. द शाउट्स ऑफ द मेन, मेन इज ऑलरेडी इन प्लूरल फॉर्म. ओके, सब्जेक्ट क्या है इसमें, मेन है. सो द मेन शाउट, तो एपोस्ट्रोफी एस के बिफोर लगेगा. द लास्टर ऑफ द चिल्ड्रन, अगेन चिल्ड्रन इज इन प्लूरल फॉर्म एंड सब्जेक्ट क्या है, चिल्ड्रन है. सो द चिल्ड्रंस लास्टर, सो एपोस्ट्रोफी एस के बिफोर. CW one time, HW two times. Thank you.